तो अपना 12th का फर्स्ट टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, राइट। तो फर्स्ट इसमें हम लोग चार्ज के बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे, चार्ज कैसे इंड्यूस होता है। तो जनरली हम लोग क्या देखते हैं, कोई भी मैटर से है, कोई भी मैटर से है, यदि वो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, मैटर्स मीन्स कोई ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट मैटर से बना हुआ है, कोई भी मैटर्स, तो ये क्या करता है कि कोई चार्ज पार्टिकल्स है, चार्ज पार्टिकल्स आने का मतलब आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, चार्ज पार्टिकल का मतलब क्या हो गया, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। जितने मैटर्स है, कोई भी मैटर्स हो, यानी सारे ऑब्जेक्ट्स मैटर से बने हुए हैं, ये मेरा बोतल हो गया या ये पेन हो गया, ये सारे क्या है, मैटर से बने हुए हैं। तो ये क्या देखते हैं कि यदि इसके पास कोई चार्ज पार्टिकल यदि यहाँ पर नजदीक में जा रहा है, तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करता है, क्या करता है, फोर्स एक्सपीरियंस करता है। जिस तरह से हम लोग ग्रेविटेशन में पढ़े थे कि यदि कोई भी ऑब्जेक्ट हो, हम दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये भी ड्यू टू मास फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन हम देख नहीं पा रहे हैं, नहीं एक्चुअल में इसमें मास का भी प्रॉपर्टी इसमें भी है, तो ड्यू टू मास क्या होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट करता है, दे एक्सपीरियंस द फोर्स। सिमिलरली उसी तरह से कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे वहाँ पर मास के कारण फोर्सेज डेवलप हो रहे थे, यहाँ पर चार्ज के कारण फोर्स डेवलप होगा। यदि कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसके पास कोई भी चार्ज, आइदर पॉजिटिव और निगेटिव, यदि नजदीक में आता है, तो ये ऑब्जेक्ट क्या फील करेगा, एक फोर्स फील करेगा, क्या फील करेगा, एक फोर्स फील करता है, ठीक है। ये तो समझे भाई, यदि कोई भी ऑब्जेक्ट है, यदि वो किसी चार्ज पार्टिकल के पास जाएगा, तो एक्सपीरियंस दी फोर्स, ये क्या एक्सपीरियंस करेगा, एक्सपीरियंस दी फोर्स, ठीक। अब उससे पहले हम लोग समझे कि पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज कैसे डेवलप हो रहा, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। जैसे यही मानो कोई ऑब्जेक्ट है, इनिशियली क्या है, ये ऑब्जेक्ट न्यूट्रल है, इनिशियली क्या है, ऑब्जेक्ट ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल मीन्स व्हाट यू अंडरस्टैंड, उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों सेम होंगे, क्योंकि न्यूट्रॉन का तो कोई चार्ज होता नहीं है, तो चार्ज या तो आइदर प्रोटॉन का होगा जो कि पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन का निगेटिव। तो कोई भी ऑब्जेक्ट यदि न्यूट्रल है, इट मीन्स व्हाट यू अंडरस्टैंड, उसमें 10 प्रोटॉन है तो 10 इलेक्ट्रॉन भी है, यही समझते हैं, जितना भी होगा 20 हो तो 20 प्रोटॉन 20 इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रल का मतलब यही होता है कि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इफ आई एम सेइंग कि इस पर एक्सेस पॉजिटिव चार्ज है, इफ आई एम सेइंग एक्सेस पॉजिटिव चार्ज है, इस पर एक्सेस पॉजिटिव चार्ज, एक्सेस पॉजिटिव चार्ज कहने का मतलब आप क्या समझ रहे हो कि ये ऑब्जेक्ट चार्ज तो हो गया, लेकिन नेचर कैसा है चार्ज का, पॉजिटिव है, न्यूट्रल रहा नहीं ये ऑब्जेक्ट का। इफ आई एम सेइंग इफ दिस ऑब्जेक्ट इज एक्सेस पॉजिटिव चार्ज, एक्सेस पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या हो गया, न्यूट्रल तो रहा नहीं, अब इस पे क्या एक्सेस है, पॉजिटिव चार्ज। कैसे एक्सेस होगा पॉजिटिव चार्ज, उस चीज को अंडरस्टैंड करो, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करने का है। पहले क्या था, ये न्यूट्रल था, 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन, तो यानी एक्सेस पॉजिटिव चार्ज करने मतलब कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होगा। कहने का मतलब कि ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो 10 है, किसी तरह से रिड्यूस होकर या तो 5 हो गया या 6 हो गया, जो भी होगा 10 से कम हो गया, और कैसे होगा, जब इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, हाउ इट इज पॉसिबल, जब इस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट से यदि इलेक्ट्रॉन बाहर निकलकर अंदर में अब 10 के बजाय मानो 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो हम क्या कंपेयर करें, तो देखें प्रोटॉन ज्यादा है, प्रोटॉन का नेचर कैसा है, पॉजिटिव चार्ज, देन व्हाट वी कैन से कि ये ऑब्जेक्ट किस तरह का नेचर का हो गया, एक्सेसिव चार्ज इस पर हो गया, क्या हो गया, एक्सेसिव चार्ज। तो एक्सेसिव चार्ज कैसे हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, आइदर पॉजिटिव नेगेटिव, यदि पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन निकालकर, और नेगेटिव एक्सेस चार्ज करने का मतलब इफ आई एम सेइंग कि इफ
निगेटिव एक्सेस चार्ज, निगेटिव एक्सेस चार्ज, निगेटिव एक्सेस चार्ज मीन्स व्हाट यू अंडरस्टैंड, कि उस पर इलेक्ट्रॉन आ गया यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज कर गया नंबर ऑफ प्रोटॉन से। क्या हो गया, कोई इसको पैसा दे दिया। मैं हमेशा कहता हूँ इलेक्ट्रॉन का लेन देन पैसे से किया हूँ। तो यदि इस पर इसको इस पर इफ आई एम सेइंग कि एक्सेस नेगेटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव नेगेटिव एक्सेस नेगेटिव चार्ज आ गया मीन्स व्हाट यू अंडरस्टैंड, पहले से 10 न्यूट्रॉन था, पहले से ये क्या था न्यूट्रॉन था, 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन। यदि मैं कहता हूँ एक्सेस नेगेटिव चार्ज यानी पैसा इसके पास ज्यादा, नेगेटिव को आई एम कंपेयरिंग विथ मनी और पॉजिटिव चार्ज का एंड पैसे कम होगा। तो इस पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज एक्सेस होने का मतलब इसको कोई पैसा दिया, इलेक्ट्रॉन कोई दिया। इलेक्ट्रॉन देने से क्या हो गया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो 10 था अब मान लो 15 हो गया, 5 इलेक्ट्रॉन कोई दे दिया। तो अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर में 10 प्रोटॉन्स और 15 इलेक्ट्रॉन्स। तो जब इलेक्ट्रॉन संख्या ज्यादा हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो गए, तो ये ऑब्जेक्ट किस तरह का हो गया, नेगेटिव एक्सेस चार्ज। एंड हाउ टू डेवलप, कोई इसको नेगेटिव चार्ज देगा तो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, एक्सेस नेगेटिव चार्ज। जब उससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो एक्सेस पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो ये मीनिंग वर्ड का मीनिंग समझना जरूरी था, व्हाट इज द एक्सेसिव पॉजिटिव चार्ज एंड व्हाट इज द नेगेटिव एक्सेसिव चार्ज, दोनों का मीनिंग क्या है। तो एक्सेसिव पॉजिटिव चार्ज करने का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा हो जाएंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन से। और एक्सेसिव नेगेटिव चार्ज करने का मतलब व्हाट यू अंडरस्टैंड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन से ज्यादा होंगे। ये दोनों टर्म समझना बहुत जरूरी था। नेक्स्ट उसके पास अब हम क्या देखेंगे कि भाई ये कैसे कोई भी न्यूट्रल एटम कैसे पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा और कैसे नेगेटिव चार्ज डेवलप करेगा, और ये क्या है उस मटेरियल की प्रॉपर्टी के कारण हो रहा है। इस जैसे आप कॉम है, कॉम को आप जब देखते हो बचपन में हम लोग करते थे ना, इसको कॉम जैसे सिंपली है, यदि पेपर ऑफिस को बिना विदाउट रबिंग किए हुए कोई अट्रैक्शन नहीं होगा क्योंकि ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है। यदि हम इसको रबिंग नहीं करते हैं, यदि ये कॉम है तो क्या होगा, किसी पेपर ऑफिस को अट्रैक्ट नहीं करेगा क्योंकि न्यूट्रल है। हम लोग देखिए फोर्स कब एक्सपीरियंस होता है, जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी भी ऑब्जेक्ट के नज़दीक जाने से होता है। तो ये चार्ज तो हुआ ही नहीं तो पेपर को अट्रैक्ट करेगा नहीं। तो मैंने क्या करता है, कॉम को कंघी को रगड़ते हैं बाल में, रगड़ने से क्या होगा, रबिंग करने से क्या होगा कि आइदर या तो पॉजिटिव चार्ज निकलेगा या निगेटिव चार्ज अंदर आएगा। ये डिपेंड किस पे करेगा, पॉजिटिव चार्ज निकलना, और ये डिपेंड करेगा मटेरियल का प्रॉपर्टी पर, मटेरियल के प्रॉपर्टी पर डिपेंड करेगा कि रबिंग करने से उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा कि निगेटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब उससे इलेक्ट्रॉन निकलना, और निगेटिव चार्ज आने का मतलब उस पर इलेक्ट्रॉन आ रहा है, जिससे हम जैसे हेयर से रबिंग कर रहे हैं। तो यदि इस कॉम पर निगेटिव चार्ज आने का मतलब हेयर से मेरा इलेक्ट्रॉन इसमें आए। तो ये जो है ये डिसीजन कैसे लेते हैं, प्रॉपर्टी के मैटर पर डिपेंड करेगा कि कौन पॉजिटिव चार्ज होगा कौन निगेटिव चार्ज होगा। कैसे डेवलप कर रहे हैं, ड्यू टू रबिंग, रगड़ने से। उसी तरह से बैलून है, बैलून है सिंपली, बैलून को आप चाहोगे वॉल में नहीं चिपकेगा, यदि उसी को आप रबिंग कर दिए या किसी कपड़े से सिल्क कपड़े से रबिंग कर दिए, अब उसके बाद उस बैलून को देखो दीवार में चिपकाओगे वॉल में चिपक जाएगा। क्या हुआ, रबिंग करने से चार्ज पार्टिकल हो गया। अब ये मुझे पता नहीं चार्ज किस तरह का हुआ, पॉजिटिव हुआ कि निगेटिव, लेकिन क्या हुआ, चार्ज पार्टिकल। स्टार्टिंग में मैंने क्या कॉन्सेप्ट दिया है, कोई भी मैटर्स, मैटर्स का नाम मतलब ऑब्जेक्ट, कोई भी मैटर्स कब फोर्स एक्सपीरियंस करता है, जब किसी चार्ज पार्टिकल के नजदीक जाएगा। इसी चार्ज पार्टिकल के नजदीक जाएगा क्या करेगा, फोर्स फील्ड करेगा। तो ये कर क्या रहे हैं हम लोग कि चार्ज हम क्या कर रहे हैं, कोई भी न्यूट्रल एटम था उसको रबिंग करके उस पर उसको चार्ज पार्टिकल बना रहे, उसको क्या बना रहे हैं। तो पहला मेथड क्या हो गया, राइट डाउन, किसी भी ऑब्जेक्ट का चार्ज कैसे हम इंड्यूस कर रहे हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट पे चार्ज कैसे इंड्यूस कर रहे हैं जो न्यूट्रल है। हाउ टू प्रोड्यूस द चार्ज, हाउ टू प्रोड्यूस
हाउ टू प्रोड्यूस चार्ज पार्टिकल, कैसे हम चार्ज पार्टिकल को, या वी कैन से कोई भी न्यूट्रल एटम हो, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट हो, उसमें कैसे चार्ज प्रोड्यूस करेंगे, हाउ टू प्रोड्यूस दी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल को हम, ये मैं अभी स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूँ पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, चार्ज पार्टिकल का मतलब दोनों टर्म इंक्लूड हो गया, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। सबसे खास बात क्या है इसमें, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता है, सारे ऑब्जेक्ट को रगड़ने से, रबिंग करने से चार्ज पार्टिकल नहीं बनेगा। आप सोचो कि एवरी ऑब्जेक्ट को मैं रगड़ूंगा चार्ज पार्टिकल बन जाएगा, इट इज नॉट पॉसिबल। वो मटेरियल किस तरह का होना चाहिए, इंसुलेटर, ओनली 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 इंसुलेटर, इंसुलेटर को ही सिर्फ हम रगड़ेंगे तो वो चार्ज पार्टिकल बनेगा, मेटल को नहीं रगड़ने से चार्ज पार्टिकल कभी नहीं बनेगा। ओनली इंसुलेटर, ओनली इंसुलेटर को रबिंग करेंगे हम लोग, इंसुलेटर को क्या करेंगे, रबिंग करने से चार्ज पार्टिकल में कन्वर्ट होगा, ये ध्यान देने की बात है। रबिंग करने से क्या होगा, चार्ज पार्टिकल में कन्वर्ट होगा, तो दूसरा मटेरियल कोई नहीं, ओनली सिर्फ ओनली ओनली इंसुलेटर। आप सोचो कि सारे को रबिंग करने से चार्ज पार्टिकल बन जाएगा, दिस इज टोटली रॉन्ग। सिर्फ किस तरह का होगा मटेरियल ऑब्जेक्ट, वो इंसुलेटर होना चाहिए, मेटल को करने से, कंडक्टर को रबिंग करने से कभी भी आपका चार्ज पार्टिकल डेवलप नहीं होगा। स्पून है, जैसे फॉर एग्जाम्पल घर में स्पून को आप कितना भी रगड़ोगे, रबिंग करोगे, क्या वो दूसरे चम्मच को खींच लेगा, किसी बर्तन को खींच लेगा, बर्तन तो रोज लाता है, रोज रबिंग हो रहा है, ऐसा होगा तो सब बर्तन एक दूसरे को छिपा लेगा, तो क्या हुआ, वो आपका कंडक्टर है, एल्यूमिनियम से चाहे स्टील से जिससे भी बन रहा कंडक्टर है, इसीलिए उसमें रबिंग करने से, रगड़ने से कोई भी चार्ज पार्टिकल नहीं डेवलप होगा। राइट बटन समझ में आया किस तरह के पार्टिकल को, तो रबिंग ऑफ द इंसुलेटर कॉजेस ट्रांसफर ऑफ चार्ज, चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है जिसके कारण चार्ज पार्टिकल डेवलप हुआ। रबिंग ऑफ इंसुलेटर कॉजेस ट्रांसफर ऑफ द चार्ज पार्टिकल। राइट बटे, अब जैसे यही है, ये दो ऑब्जेक्ट है, तो ये दोनों ऑब्जेक्ट को जब रगड़ेंगे तो पहला क्या होना चाहिए, इंसुलेटर होना चाहिए, ठीक। यदि इसको हम रबिंग करते हैं, रबिंग करने से क्या हो रहा है, चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है, यानी आइदर इससे पॉजिटिव चार्ज इसमें गया या निगेटिव चार्ज इसमें गया। यदि पॉजिटिव चार्ज इसमें जाएगा तब देन वाट यू अंडरस्टैंड, पॉजिटिव चार्ज जाने का मतलब क्या हो गया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन घट गए, इलेक्ट्रॉन इसमें ज़्यादा हो गया, इस पर चार्ज किस तरह का हो गया, इलेक्ट्रॉन, निगेटिव चार्ज। इस पर पॉजिटिव जाने का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन इसका बढ़ गया, बढ़ने का मतलब इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है। तो क्या हो रहा है, लेकिन कॉजेज ट्रांसफर ऑफ चार्ज, चार्ज के ट्रांसफर के कारण रबिंग, आओ चार्ज का ट्रांसफर कैसे हो रहा है, ड्यू टू रबिंग करने के कारण, चार्ज के ट्रांसफर होने के कारण चार्ज पार्टिकल डेवलप हो रहा है। क्लियर कॉन्सेप्ट में आया, जैसे हम लोग कॉम देखते हैं, इनिशियली कॉम को यदि पेपर ऑफिस है, ये छोटे छोटे पेपर है, और कॉम जो है ये ठीक है, इसको नजदीक लाएंगे तो कोई फोर्स फील नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही हेयर में हम लोग हेयर में इसको रबिंग करते हैं तो इस पर क्या आता है, निगेटिव चार्ज। ध्यान दें क्या है, ये मटेरियल जो है कौन कौन पॉजिटिव देता है, कौन कौन निगेटिव देता है, ये मटेरियल पर डिपेंड करता है। राइट डाउन, जस्ट आपको अपना रखिए कौन पॉजिटिव देगा, क्योंकि ये मटेरियल प्रॉपर्टी है। पहला क्या है कि कौन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करेगा, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा ऑब्जेक्ट,
इट मींस उस ऑब्जेक्ट पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज कर गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। क्लियर बेटे, समझ में आ रहा है? अच्छा, वो कौन कौन से हैं ऑब्जेक्ट जो कि पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेंगे? ह्यूमन हेयर पहला, जो जनरल एज में आएगा, ह्यूमन हेयर, बाल, बाल पे क्या आएगा यदि कॉम को रहेंगे बाल पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। दूसरा माइका, थर्ड नाइलॉन, ये क्या कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इसको अपने आप पर पॉजिटिव चार्ज ला रहे हैं, दूसरे ऑब्जेक्ट को इलेक्ट्रॉन दे दिए। जैसे मान लीजिए यही ऑब्जेक्ट है, हेयर है, ये मेरा बाल है, इसको रख रहा है, तो बाल क्या किया इलेक्ट्रॉन डोनेट किया इस पेन को, तो हेयर पर क्या आ गया इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से यहाँ कम हो गए, इस पर क्या कौन सा चार्ज हो गया एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज, इस पर कैसा चार्ज आ गया पॉजिटिव, इसको इलेक्ट्रॉन दिया इस पर क्या हो गया निगेटिव चार्ज। ये कोई कहे कि किसका कौन सा होगा पॉजिटिव कौन, ये डिफाइंड है, ये मटेरियल के प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, जैसे मास मटेरियल के प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, तो कौन चार्ज कौन सा ऑब्जेक्ट पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, इलेक्ट्रॉन देगा कि लेगा, ये डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जैसे इसका हम लोग कर रहे थे हेयर हो गया, माइका हो गया, नाइलॉन हो गया, ऊल, ऊल देन सिल्क, सिल्क सिल्क एल्युमिनियम, एल्युमिनियम पेपर, पेपर, ये सारे क्या है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इस पर चार्ज पॉजिटिव, साइड में लिखकर लिख दो ये सारे पर कैसा चार्ज आएगा पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को सारे डोनेट कर रहे हैं, ह्यूमन हेयर, माइका, नायलॉन, ऊल, सिल्क, एल्युमिनियम, पेपर, कॉटन, कॉटन कुछ नहीं करता, ना इलेक्ट्रॉन लेगा ना देगा, कॉटन का जीरो रहता है, याद रखने का, कॉटन कपड़ा जो रहेगा वो जीरो, कोई चार्ज का लेन देन नहीं करता, ना चार्ज देगा ना लेगा। अच्छा, अब जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो कौन कौन सा है आपका, स्टील, स्टील, वुड, लकड़ी, सिल्वर, सिल्वर, पीवीसी पाइप, पीवीसी पाइप, राइट बेटे, उसके बाद रबर, रबर, पीवीसी, रबर जितने हैं वो सारे क्या हैं सारे पे नेगेटिव चार्ज आएंगे। आप देखो कॉम आपका क्या है प्लास्टिक से ही बना हुआ है, अब इसको रख रहे हैं इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसीलिए क्या होता है कॉम जो है इसको हम हेयर से रख रहे ठीक है, इस पर कैसा चार्ज आ गया नेगेटिव चार्ज। अब क्या होगा ध्यान से समझो, व्हाई डी दिस पेपर अट्रैक्ट, क्वेश्चन क्या है ध्यान से समझने का, ये सारे क्या स्टैटिक का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तभी इलेक्ट्रोस्टैटिक आप पूरे अच्छी तरह से समझ सकते हो, और इलेक्ट्रोस्टैटिक जब अच्छा होगा तभी आपका मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक वाला वो सारा पोर्शन अच्छा होगा। तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक को जितना अच्छी तरह से समझना है समझना है, इसमें कॉन्सेप्ट है, और ये जितना मजबूत होगा तो उनका पूरा फिजिक्स स्ट्रांग रहेगा ठीक। अब मैंने क्या कहा कि कॉम जो है इस पर क्या गया करने से, रबिंग करने से नेगेटिव चार्ज क्यों आया ये भी समझ में आ गया, मटेरियल प्रॉपर्टी है ठीक, हेयर से तो लेना ही देने रगड़ के, तो हमको तो पेपर देखना है, पेपर के बेहेवियर क्या हो गया। अब यहाँ पर पीस ऑफ पेपर है जो कि आप एवरीडे लाइफ में पेपर में खेला करते थे, तो ये जब ये क्या है, ये क्या हो गया चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल कैसे हुआ ड्यू टू रबिंग, ड्यू टू रबिंग, एक अभी मेथड सीखे हैं रबिंग के कारण चार्ज पार्टिकल डेवलप हो रहा है, धीरे धीरे देखेंगे और क्या क्या मेथड है। तो ये क्या है चार्ज पार्टिकल हो गया, स्टार्टिंग में हमने क्या कहा कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी भी ऑब्जेक्ट के नजदीक जाएगा तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। आप कहोगे सर फोर्स तो एक्सपीरियंस करेगा जबकि दोनों पर या तो सेम चार्ज हो या दोनों पर अपोजिट चार्ज हो, यहाँ तो आपको पेपर से तो न्यूट्रल है, इस पर तो कोई चार्ज है, इसको तो रबिंग नहीं कर रहा है,
इसको तो रबिंग नहीं कर रहे हैं, तो ये अट्रैक्ट क्यों हो रहा है? चाहे जो बैलून है, बैलून को कपड़ा पर रगड़ के दीवार में चिपका देते हैं, दीवार को तो कुछ किए नहीं, वो तो न्यूट्रल है, तब कैसे चिपक लिया? यानी या तो अपोजिट चार्ज या सेम चार्ज आना चाहिए था, दीवार पर भी कोई चार्ज रहेगा तभी तो। हाँ, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या कर रहा है कि इस पर जो नेगेटिव चार्ज आया तो पेपर और पीस पर इसके रेस्पेक्ट में देखा जाता है, इस कॉम के रेस्पेक्ट में इस पर पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया, तो जो ऑब्जेक्ट को नजदीक लाया जा रहा है तो उसके रेस्पेक्ट में देखा जाता है दूसरा ऑब्जेक्ट पर कैसा चार्ज होगा। ठीक है, ये न्यूट्रल, यदि यहाँ इलेक्ट्रॉन तो ज्यादा हो गया तो इसके नजर में इसके रेस्पेक्ट में इस पर क्या रह जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। उसी तरह से बैलून को जब हम रगड़ रहे हैं तो बैलून पे क्या आ गया? रबर से बना हुआ है तो नेगेटिव चार्ज अभी देखे, इसीलिए मैं पहले ही लिखवा दिया, नेगेटिव चार्ज उस पर आ जाएगा। अब वॉल के नजदीक जा रहा है तो शुरू में जब बच्चे को कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर आता तो कहता है ये तो न्यूट्रल लगी क्यों चिपक रहा है, ये तो चार्ज हो गया, दूसरा भी चार्ज होगा तभी तो, क्योंकि जब तक दोनों चार्ज नहीं होंगे, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स में जब तक दोनों मास नहीं होगा तो अट्रैक्शन या रिपल्स, अट्रैक्शन वहां से होता है, खासियत ग्रेविटेशन में ओनली अट्रैक्शन, यहाँ दोनों होंगे अट्रैक्शन और रिपल्सन, तो वाल तो हुआ नहीं। हाँ, अब इसको फिजिक्स यहाँ पे क्या कर रहा है, ठीक है ये बैलून जो है निगेटिव चार्ज है, लेकिन बैलून के रेस्पेक्ट में वाल क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, बैलून के रेस्पेक्ट में वाल पर पॉजिटिव चार्ज है, इसीलिए बैलून को अटैक कर लिया। इसीलिए वर्ड बोलते हैं कोई भी मैटर्स कब किसी भी चार्ज पार्टिकल के नजदीक जाएगा, तो चार्ज पार्टिकल को जो भी नेचर हो उसके रिस्पेक्ट में उस ऑब्जेक्ट को देखना पड़ेगा कि क्या चार्ज है, यदि वो निगेटिव है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अंडरस्टूड, क्लियर, समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है बेटे? तो रबिंग करने से कोई भी ऑब्जेक्ट को क्यों, अब हाँ यहाँ पर आता है कि ये तो न्यूट्रल क्यों अटैक कर रहा है, लेकिन यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या देख रहे हैं? नहीं भाई, तो ये जब न्यूट्रल है तो होना ही नहीं चाहिए था, इसके रेस्पेक्ट में ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज हो गया तो डेफिनेटली क्या करेगा? पेपर को अटैक कर लेगा। यदि ये कॉन्सेप्ट नहीं है तो जादू होगा ही नहीं फिजिक्स के हिसाब से, तो जादू करना है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, ये चीजों को ध्यान देना है। ठीक है बेटे, तो ये तो समझ में आ गया कि रबिंग करने से कैसे अट्रैक्शन हो रहा है, इस पर कौन सा चार्ज आएगा, ये जरूरी हो गया, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, उसके बाद हम लोग देखें, अब कोई भी आप कंडक्टर लो, स्पून लो, उसको रगड़ने से ये ध्यान देना है, ये गलती होती है, सिर्फ इंसुलेटर को रबिंग करने से चार्ज पार्टिकल का लेन देन होगा, बाकी अदर्स कंडक्टर पे कभी भूल के भी नहीं। ठीक, दूसरा मेथड अब हम लोग, ये तो पहला मेथड हो गया, ये क्वेश्चन पूछता है एक्सप्लेन दी हाउ टू प्रोड्यूस दी चार्ज पार्टिकल, तो पहला मेथड रबिंग हो गया। सेकेंड मेथड सेकेंड मेथड दो ऑब्जेक्ट को कॉन्टैक्ट में लाने से चार्ज बाई सेकेंड मेथड चार्ज बाई कॉन्टैक्ट एक दूसरे को नजदीक लाने से या कंडक्शन करने से, कंडक्शन जैसे हीट का कंडक्शन करते हैं, या कंडक्शन करने से, दोनों का मीनिंग एक ही है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। कंडक्शन होने के लिए दोनों बॉडी को टच में होना चाहिए, हम लोग थर्मल डांस में पढ़े थे, कंडक्शन होने के लिए दोनों बॉडी कॉन्टैक्ट में होना चाहिए तभी टेम्परेचर का फ्लो होगा। ठीक, हमने क्या कहा कर रहा है यहाँ पर कि चार्ज बाय कॉन्टैक्ट। अब देखो खेला, कोई भी मान लो ऑब्जेक्ट ले लो, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक। अब एक बॉल का गोला लिए जो कि न्यूट्रल है, न्यूट्रल कहने का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल 10p एंड 10e है, ठीक है।
अब इस बॉल को जैसे जैसे हम नजदीक लेके आएंगे और ये मान लो बॉल इससे कॉन्टैक्ट करेगा, इससे बॉल कॉन्टैक्ट किया, तब क्या होगा ध्यान से देखो, कितने 10 प्रोटॉन, तो 10 प्रोटॉन ठीक है, 10 पॉजिटिव चार्ज और उतना ही, अभी तीन ही तीन ले लेते हैं जो कि दिखाई दे रहा है, थ्री प्रोटॉन एंड थ्री इलेक्ट्रॉन ठीक है। अब ये कॉन्टैक्ट में जाएगा, ध्यान से देखने का, मुड़ी नहीं नीचे करने का, ब्लैक बोर्ड पर नजर, तो कॉन्टैक्ट हुआ तो क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन ये पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करेंगे क्योंकि ये ऑब्जेक्ट जो है पॉजिटिव चार्ज है, तो ये ठीक है। दूसरा ऑब्जेक्ट को जब हम लेके जा रहे जो न्यूट्रल है, तो क्या करेगा, ये निगेटिव चार्ज जो है इस पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा अपने साइड, यानी इलेक्ट्रॉन जो होंगे इसमें इंटर कर जाएंगे, ये भी इंटर कर जाएगा, ये भी इंटर कर जाएगा, तो हुआ क्या इस ऑब्जेक्ट पर, बचा क्या, पॉजिटिव चार्ज। तो क्या देखे, ये पॉजिटिव ऑब्जेक्ट था, पॉजिटिव चार्ज इस पर इंड्यूस हो गया, चार्ज कैसा डेवलप हो गया, यानी लाइक सेम टाइप का चार्ज प्रोड्यूस हुआ। कॉन्टैक्ट में क्या कॉन्सेप्ट बन रहा है कि जिस तरह का चार्ज पार्टिकल है, यदि उस चार्ज पार्टिकल के नजदीक कोई न्यूट्रल एटम को, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को ले जा रहे हैं, तो उस पर किस तरह का चार्ज प्रोड्यूस होगा, सेम टाइप का। जैसे ये देखे, अभी ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पर कैसा डेवलपमेंट हो गया, पॉजिटिव चार्ज ही डेवलप हो गया। क्लियर समझ में आ रहा, यदि ये नेगेटिव रहता, ये नेगेटिव शिफ्ट रहता, इलेक्ट्रॉन 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 और कोई हम न्यूट्रल ले जाके यहाँ पर अटैच करते, तो यहाँ ध्यान से देखो क्या, मान लेते तीन थ्री प्रोटॉन थ्री इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, तीन पॉजिटिव चार्ज और थ्री नेगेटिव चार्ज। अब क्या हुआ, ये यहाँ पे इस पॉजिटिव को अटैक करेगा, इस पॉजिटिव को अटैक करेगा, बच क्या गया, इलेक्ट्रॉन, तो ये किस तरह का चार्ज हो गया, निगेटिव। तो जैसा ऑब्जेक्ट रहेगा उसी टाइप का कॉन्टैक्ट में चार्ज डेवलप होगा, चार्ज किस तरह का डेवलप होगा, सेम टाइप का, चार्ज किस तरह का डेवलप होगा, सेम टाइप का होगा, इन कंडक्शन, कंडक्शन ऑफ चार्ज, कंडक्शन ऑफ चार्जेस, कंडक्शन ऑफ चार्जेस ऑन अनचार्ज या न्यूट्रल बॉडी, कंडक्शन ऑफ चार्जेस ऑन न्यूट्रल बॉडी, ऑन न्यूट्रल बॉडी विथ सेम टाइप ऑफ चार्जेस, सेम टाइप के का चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, सेम टाइप का चार्ज, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, निगेटिव है तो निगेटिव, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, निगेटिव है तो निगेटिव। जो न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी का मतलब अनचार्ज, न्यूट्रल बॉडी मतलब अनचार्ज, अनचार्ज पार्टिकल पर किस टाइप का चार्ज डेवलप हो रहा है, सेम काइंड का चार्ज डेवलप हो रहा है, जिस तरह का ऑब्जेक्ट पर चार्ज है उसी टाइप का चार्ज डेवलप हो रहा है। तो यहाँ पर कंडक्शन किस तरह का हो रहा है, सेम टाइप का हो रहा है, कंडक्शन ऑफ चार्जेस ऑन दी अनचार्ज बॉडी इज सेम काइंड, दोनों पे सेम काइंड का रहेगा, जैसा रहेगा उसी तरह का। तो ट्रांसफर ऑफ चार्जेस क्लियर हो गया बेटे, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का ही ट्रांसफर हो रहा है, निगेटिव है तो निगेटिव का ही ट्रांसफर हो रहा है, निगेटिव है तो निगेटिव ही ट्रांसफर हो रहा है। यहां देखिए ट्रांसफर ऑफ द चार्ज किस तरह का है, निगेटिव। और ध्यान देने की बात है, तो ऐसे ब्लैक बोर्ड पर ध्यान दो, वर्ड लिखा जाता है ट्रांसफर ऑफ निगेटिव चार्ज, ट्रांसफर ऑफ निगेटिव चार्ज, रियल में तो हो नहीं रहा, रियल में ट्रांसफर किसका हुआ, प्रोटॉन पॉजिटिव प्रोटॉन का हुआ है, लेकिन ये दोनों चीजें समझ, रियल में कॉल क्या हो रहा, प्रोटॉन अटैक होके यहाँ प्रोटॉन चला गया ना, ये सब प्रोटॉन यहाँ पहुंच गया, तो ट्रांसफर क्या हुआ, रियल में देखा जाए माइक्रोस्कोपिक लेवल क्या हो रहा है, प्रोटॉन, लेकिन ऊपर से हम देखेंगे तो क्या लगेगा, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर भाई निगेटिव चार्ज का ट्रांसफर, पहले से ठीक है न्यूट्रल था, अब आ गया इस पर निगेटिव चार्ज, तो ये ध्यान देने की है, वर्ड का खेल है, ये क्या लिखता है, ट्रांसफर ऑफ निगेटिव चार्ज मीन्स माइक्रो एंड बड़े लेवल पर, यानी ऊपर ऊपर देखेंगे तो हमको क्या दिखाई देगा, निगेटिव चार्ज इस पर आ गया, ट्रांसफर हो गया, लेकिन रियल में क्या हो रहा है,
माइक्रोस्कोपिक, जब माइक्रोस्कोप से देखें छोटे लेवल पर जब देखेंगे तो हुआ क्या है, प्रोटॉन का ट्रांसफर हुआ है, ठीक है बेटे। और उसी तरह से जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि ट्रांसफर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे दोनों का नजर अलग, माइक्रोस्कोपिक मतलब ऊपर ऊपर से देखते बड़े लेवल पर देख रहे हैं, माइक्रोस्कोपिक कैसे होता है आप बायोलॉजी में देखते हो माइक्रोस्कोपिक से छोटे छोटे आपके ऑब्जेक्ट के आपके सेल्स जो दिखाई देते हैं, लेकिन ऊपर से तो कंटिन्यूस दिखाई देता है बॉडी। सिमिलरली यहाँ भी उसी तरह से यहाँ पे भी क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, ट्रांसफर ऑफ द पॉजिटिव चार्ज। तो सेकेंड मेथड क्या देखे कि कॉन्टैक्ट के कारण, कॉन्टैक्ट के कारण कैसे चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है, हाउ टू प्रोड्यूस द चार्ज पार्टिकल। यदि ये चार्ज पार्टिकल है, एक न्यूट्रल है, न्यूट्रल को नजदीक में लेके जाएंगे तो हम क्या देखते हैं, जिस तरह का चार्ज पार्टिकल है उसी टाइप का उस पर चार्ज डेवलप हो जाता है। इन कॉन्टैक्ट, इन कॉन्टैक्ट, जब दो बॉडी को कॉन्टैक्ट में रखेंगे, कॉन्टैक्ट में रहेगा तभी कंडक्शन होगा, ये भी ध्यान देने के, कंडक्शन कब होता है, जब दो बॉडी कॉन्टैक्ट में है, दो बॉडी कॉन्टैक्ट में है, ये तो क्लियर हो गया। तीसरा मेथड, थर्ड मेथड इंडक्शन, जैसे हीट में हम लोग पढ़ते थे ना सेम चीज, यहाँ भी वहाँ भी कंडक्शन मेथड पढ़ते थे, कन्वेक्शन मेथड पढ़ते थे, राइट, सेम उसी तरह से यहाँ भी है। जैसे यहाँ पर देखिए फर्स्ट मेथड रबिंग के कारण, दूसरा देखिए हम लोग कॉन्टैक्ट के कारण कंडक्शन, और तीसरा देखेंगे थर्ड मेथड चार्ज बाय इंडक्शन, इंडक्शन का मतलब विदाउट कॉन्टैक्ट, विदाउट कॉन्टैक्ट। जैसे आप आग तापते हो तो दूर से ही तापते हो, कॉन्टैक्ट तो होता नहीं, हाथ तो गर्म हो जा रहा, विदाउट कॉन्टैक्ट हीट का ट्रांसफर हुआ, विदाउट कॉन्टैक्ट हीट का ट्रांसफर हुआ। अब तवा है, आग पर रखते हो, एक सिर को छोड़ते हो, वहाँ पर क्या हो रहा, बॉडी कॉन्टैक्ट कंडक्शन हुआ, एक छोर से रॉड गर्म होना चालू हुआ बाई कंडक्शन मेथड, राइट। तो सिमिलरली यहाँ थर्ड मेथड जो होगा, थर्ड मेथड चार्ज बाई, चार्ज बाई इंडक्शन, इंडक्शन मेथड, चार्ज बाई इंडक्शन मेथड। अब इस चीज को समझना है कि कैसे हो रहा है, ध्यान से अब देखो क्या हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपका कोई मान लो ऑब्जेक्ट है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज ले लिए, आप कोई न्यूट्रल एटम को इसके नजदीक ले जा रहे हैं, न्यूट्रल का फंडा क्लियर होना चाहिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अब बार बार ये रिपीट करने की अब जरूरत नहीं है। तो हमें क्या है, इंडक्शन का मतलब समझ में आना चाहिए विदाउट कॉन्टैक्ट, विदाउट कॉन्टैक्ट यानी बिना कॉन्टैक्ट के कैसे भाई चार्ज डेवलप होगा। प्रैक्टिकली तो हम लोग देखते हैं भाई, दूर से आग को तापते हैं तो हाथ मेरा गर्म हो जाता है, ठीक है, तो हीट का तो ट्रांसफर तो हो रहा। उसी तरह से यहां देखिए खेल क्या हो रहा है, ये न्यूट्रल था इसको लेके गए नजदीक, अब ये क्या करेगा, इसमें मान लो प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन भी है, इलेक्ट्रॉन भी, जैसे जैसे ये नजदीक जाएगा, ये मान लो यहां पहुंच गया फॉर एग्जाम्पल, कॉन्टेक्ट किए नहीं, तो ये क्या होगा, ये ध्यान दें, ये न्यूट्रल एटम चार्ज पार्टिकल के पास गया, क्या ये करेगा, फोर्स फील करेगा, ये न्यूट्रल, न्यूट्रल जो बॉल है चार्ज पार्टिकल के पास जाएगा तो ठीक है, टच नहीं किया लेकिन दूर से ही फोर्स फील करेगा। अच्छा फोर्स देखो कैसे फील कर रहा है, इसमें जो था इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, ये नेचर कैसा है, बड़े पार्टिकल जिसके पास नजदीक ले जा रहे हैं पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को अटैक करेगा अपने साइड सम डिस्टेंस से ही, हाँ दूर रहने पर कैसे चुंबक होता है, चुंबक को दूर रखते हैं तो अटैक नहीं करता है, जैसे 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 नजदीक ले जाएंगे एक सर्टेन डिस्टेंस पर चिपक लेता है। सिमिलरली इसको क्या कर रहे हैं कि हम उसके नजदीक ले जा रहे हैं, हाँ दूरी पर हो सकता है फोर्स फील नहीं करेगा लेकिन जैसे जैसे आर का वैल्यू डिक्रीज करेगा ये फोर्स फील करना स्टार्ट करेगा,
तो फोर्स किस तरह, यह ध्यान देना है, जैसा इसका नेचर क्या है पॉजिटिव, किसको खींचेगा निगेटिव वाले को खींचेगा, निगेटिव वाला क्या होगा इसके सरफेस पे आ जाएगा, ये सब उठकर यहाँ सरफेस पे पहुंच गया। तो इस बॉल के एक साइड में कैसा चार्ज हो गया, निगेटिव चार्ज। बॉल के एक साइड में कैसा चार्ज डेवलप हो गया, ये देखो निगेटिव चार्ज, इधर जाके पॉजिटिव, ये पॉजिटिव रहेंगे। ध्यान देने की बात है, कंडक्शन इंडक्शन मैटर में चार्ज कैसा प्रोड्यूस हो रहा, अपोजिट नेचर, ये देखो पॉजिटिव था ये निगेटिव डेवलप हुआ। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट इस ऑब्जेक्टिव के लिए, इन इंडक्शन मेथड चार्ज पार्टिकल कैसे डेवलप होगा, अपोजिट काइंड का, राइट। उसी तरह से आप ये निगेटिव लोगे तो पॉजिटिव डेवलप होगा, इसको ड्रॉ कर लो पेटे पहले। क्लियर कॉन्सेप्ट, तो इंडक्शन इंडक्शन चार्जेस डी अनचार्ज्ड बॉडी, अनचार्ज्ड बॉडी मतलब ब्रैकेट में न्यूट्रल डाल देना, अनचार्ज्ड बॉडी विथ the opposite kind, with the opposite kind of charge without contact. Induction charges the uncharged body with the opposite kind of charge without contact. यहाँ थ्री मेथड्स पढ़ लिए, पहला रबिंग, दूसरा कॉन्टैक्ट, तीसरा आपका इंडक्शन मेथड। ध्यान देने की बात क्या है, रबिंग में हम देखे भाई रब करते हैं वो मटेरियल के कारण चार्ज डिसाइड हो रहा है, कैसा मटेरियल यूज कर रहा है। दूसरा चीज कॉन्टैक्ट में देखे सेम काइंड का चार्ज डेवलप हो रहा है, किसी चार्ज पार्टिकल के पास अनचार्ज पार्टिकल को ले जाते हैं तो सेम टाइप का चार्ज डेवलप हो रहा है। इंडक्शन में क्या देखें, चार्ज पार्टिकल के नजदीक कोई भी न्यूट्रल बॉडी या अनचार्ज पार्टिकल ले जाते हैं तो अपोजिट नेचर डेवलप हो रहा है। यहाँ से एक न एक ऑब्जेक्टिव सिलेक्टिव मेडिकल लिंक में पड़ता है, एक न एक बहुत, जो कि आसान भी है और बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है, बोर्ड में थ्योरी में आपको दे देगा हाउ टू चार्ज पार्टिकल इज डेवलप, आप तीनों मेथड आपको एक्सप्लेन करके एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करना होगा, राइट बेटे। उसके बाद नेक्स्ट अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, चार्ज ऑफ दी प्रॉपर्टी ऑफ दी इलेक्ट्रिकल चार्ज, यानी चार्ज के प्रॉपर्टी के बारे में, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक चार्ज प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। नेक्स्ट टॉपिक चार्ज प्रोड्यूस करना सीख गया है, अब क्या है जो चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है उसका प्रॉपर्टी क्या है, ये भी थ्योरी में पूछता है बोर्ड एग्जाम में ये भी थ्योरी में पूछता है। प्रॉपर्टीज ऑफ, एक्सप्लेन दी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पार्टिकल, तीन टाइप से क्वेश्चन रहेगा चार्ज पार्टिकल का प्रॉपर्टी। फर्स्ट क्या है, एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव कहने में मतलब सिस्टम में जितने चार्ज रहेंगे सारे को, यदि टोटल चार्ज पूछे तो क्या करेंगे, सारे चार्ज को ऐड कर देंगे। किसी भी सिस्टम में, कोई भी सिस्टम है, यदि इस सिस्टम में जितने चार्ज पार्टिकल, मान लो 2 कूलम 3 कूलम, कोई माइनस भी आ गया -5 कूलम सी, कोई दे दिया 20 कूलम, तो इस सिस्टम का आपसे पूछेगा कि व्हाट इज द नेट चार्ज, क्या करोगे अलजेब्रिक सम, जो पॉजिटिव होगा पॉजिटिव, जो नेगेटिव होगा तो नेगेटिव। हाँ, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी एडिटिव ऑफ चार्ज, यानी चार्ज को ऐड करना, टोटल चार्ज राइट डाउन
टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी इज द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल चार्जेस located anywhere in a body. बॉडी में कहीं भी चार्ज हो, आपसे नेट चार्ज पूछेगा तो सारे को एनी वेयर ऑन द बॉडी यानी आपके बॉडी में कहीं भी चार्जेज हो जैसा भी हो सारे को ऐड कर देंगे, वो क्या देगा नेट चार्ज। तो पहला प्रॉपर्टी क्या है, चार्ज का कैसा एडिशन हो रहा है, अलजेब्रिक एडिशन, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टी एडिटिव नेचर है चार्ज का। एडिटिव नेचर करने मतलब सारे चार्ज को ऐड कर देना है, ठीक है। सेकंड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये भी हम लोग जैसे कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ते हैं ना, मास को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना बना सकते हैं, सेम यहां भी उसी तरह से कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। दूसरा प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी कंजर्वेशन ऑफ मास, सॉरी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कहने का मतलब क्या है कि किसी भी सिस्टम में क्या है कि चार्ज को कंजर्व रहेगा, जो नेट चार्ज रहेगा वो कंजर्व रहेगा। इन्हें आइसोलेटेड सिस्टम, कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम है, टोटल चार्ज रिमेंस कांस्टेंट at all time. क्या कह रहा है, इन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल चार्ज रिमेंस कांस्टेंट एट ऑल टाइम, सारे समय। अब इसको देखो समझना होगा, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब व्हाट यू अंडरस्टैंड, फिजिक्स में हर टर्म का मतलब समझना है। जैसे मान लीजिए कि ये एक बॉक्स है, एक बॉक्स के अंदर दो गोले हैं, ठीक है। एक पर मान लेते हैं ये 10 प्रोटॉन है तो 10 इलेक्ट्रॉन भी होगा इस पर, न्यूट्रल है। उसी तरह से दूसरा गोला 10 5 प्रोटॉन और 5 इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे ये पूरे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रल सिस्टम को क्या बोलेंगे। इस सिस्टम के अंदर दो गोले हैं, दोनों गोलों पर ध्यान देना होगा, दोनों गोले क्या है इनिशियली भाई न्यूट्रल है, तो हमेशा वो न्यूट्रल रहेंगे। अगर आप चार्ज यहाँ से दो प्रोटॉन इधर दे दोगे, जैसे फॉर एग्जांपल रिमेंस कांस्टेंट करने मतलब, यहाँ से मान लो दो प्रोटॉन इसको छोटे गोले को दे दिया, तो क्या हो गया, यहाँ पर एक प्रोटॉन हो गया, यहाँ पर दो प्रोटॉन बढ़ गया 7 प्रोटॉन हो गया, तो ये क्या हो गया, दो पॉजिटिव चार्ज इस पर इंक्रीज कर गया, इस पर दो निगेटिव चार्ज डिक्रीज हो गया बढ़ गया, इस पर क्या होगा दो पॉजिटिव चार्ज बढ़े, इस पर दो निगेटिव, रिजल्टेंट जीरो प्लस टू, दोनों को ऐड कर दीजिए जो बड़ा, तो रिजल्टेंट पूरे सिस्टम पर हम क्या देख रहे हैं, चार्ज तो कांस्टेंट, रिमेंस कांस्टेंट, जीरो था पहले न्यूट्रल था अभी भी जीरो ही, यही चीज कर रहा। जैसे मास में हम लोग कहते हैं ना कि बड़ा, जैसे है पीस ऑफ पत्थर स्टोन, ठीक है, तो स्टोन को आप छोटा छोटा टुकड़ा कर दीजिए तो उसका छोटे छोटे पीस का भी मास तो सेम ही रहेगा, तो वहां कंजर्व, वहां उसको बोलते हैं हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मास। यहां भी उसी तरह से दो बॉल थे, ठीक है, दोनों न्यूट्रल है, तो टोटल सिस्टम क्या होगा, नेट चार्ज जीरो, न्यूट्रल तो कोई चार्ज नहीं है। अब क्या किया मैंने, इलेक्ट्रॉन का लेन देन या प्रोटॉन का लेन देन चालू किया, चार्ज पार्टिकल होगा, रिजल्टेंट क्या देखा, जितना ये देगा उतना इस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, तो ओवरऑल नेट चार्ज जीरो। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो गया एडिटिव, और दूसरा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। थर्ड प्रॉपर्टी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इससे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। थर्ड जो प्रॉपर्टी है बहुत इंपॉर्टेंट है,
वो क्या है प्रॉपर्टी, क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये क्या चीज है, क्वांटाइजेशन टर्म है क्या, ये क्वांटाइजेशन को अंडरस्टैंड कीजिए पहले, क्या चीज है, व्हाट इज द क्वांटाइजेशन, क्वांटाइज होना मीन्स व्हाट यू अंडरस्टैंड। यहां ध्यान देने के मतलब क्या है, ये देखो जैसे आपका सीढ़ी है, स्टेयर्स है, वो क्या है, यानी स्टेप्स पूरा कंप्लीट है, आधा स्टेप्स कभी भी नहीं रहेगा। कोई भी सीढ़ी है, ये देखो यहाँ पर ऐसा तो कभी नहीं ना, एक सीढ़ी ऐसे बना फिर ऐसे फिर ऐसे, चाहे कोई बनाए नहीं फिर सीधे दो जंप, राइट, चाहे एक दो फीट का बना, एक तीन फीट का बना दिए, एक चार और आधे फीट का बना दिए, तो ये स्टेयर क्या कहेगा, अनकॉन्टाइज्ड। क्वांटाइज्ड कहने का मतलब क्या है कि जो भी क्वांटिटी होगा, अब असली देसी अंडरस्टैंडिंग करो, नंबर ऑफ क्वांटिटी, जैसे नंबर ऑफ स्टेप्स यहाँ है, ये होगा नंबर ऑफ स्टेप्स ऑलवेज इंटीजर होगा। क्वांटाइज करने का मतलब नंबर ऑफ स्टेप्स ऑलवेज इंटीजर्स। यदि आपसे पूछा जाए कितने टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स हैं, तो 10, 12, अब ये नहीं तो 12.5, कोई मीनिंग नहीं, कोई कहे 1.25, कोई मीनिंग नहीं है। तो क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो नंबर ऑफ क्वांटिटी जो होगा वो ऑलवेज इंटीजर होगा, नंबर ऑफ क्वांटिटी जो होगा ऑलवेज इंटीजर होगा, ऑलवेज इंटीजर, कोई भी क्वांटिटी हो उसे मतलब नहीं। क्वांटाइजेशन ऑफ स्टेयर्स मैं बोल दूं तो ये कभी नहीं होगा कि आपको इससे पूछा है, आप बोलोगे 12, 13, 20, 25, लाइक दैट, 25.25 आप नहीं बोल सकते, क्योंकि वर्ड मैंने यूज कर दिया क्वांटाइजेशन ऑफ स्टेयर्स। तो यहां पर आप सारे कॉन्सेप्ट इससे आपके क्लियर हो गए, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज करने का मतलब क्या हो गया कि नंबर ऑफ चार्जेस जो भी होंगे वो किसका मल्टीपल होगा, इंटीजर नंबर का मल्टीपल। आप कोई जैसे बोलते हैं 20, 30, क्या इंटीजर नंबर का मल्टीपल है, इंटीजर नंबर का मल्टीपल है, जिसको कैसे लिखेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को। यदि आपको कोई भी सिस्टम में आपसे पूछे कि जैसे ये है और इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे हैं, टोटल चार्ज दैट विल बी इक्वल टू एन इंटू ई, ई क्या हो गया इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ई क्या हो गया नंबर ऑफ, यानी ई क्या है आपका नंबर ऑफ, एन हो गया इंटीजर, दो इलेक्ट्रॉन, चार इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान से देखो बेटे यहाँ पर, इफ आई एम सेइंग टू इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया टोटल चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम जानते हैं क्या होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। इफ आई एम सेइंग कि टोटल चार्ज इक्वल टू 2e, तो आप क्या समझो 2 × 1.6 × 10⁻¹⁹ कितना कूलम चार्ज, हम लोग चार्ज निकाल रहे हैं ना, टोटल चार्ज कितना होगा, वो टोटल चार्ज हमेशा इंटीजर का मल्टीपल है, ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम बोलेंगे 1.5e। एन इज ऑलवेज ऑलवेज इंटीजर, एन क्यों, ये कहां से वर्ड आया है क्वांटाइजेशन से, ये एन इंटीजर का कॉन्सेप्ट कहां से आया है आपका, क्वांटाइजेशन से आया है, ठीक है। तो क्वांटाइजेशन का अंडरस्टैंडिंग हुआ कि किस टर्म से लिंक है, एन से लिंक है, वेयर एन इज इंटीजर। तो कभी कभी आपसे पूछ देता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ देता है, टोटल चार्ज दे देगा, फॉर एग्जांपल जैसे क्वेश्चन क्या दे देगा कि टोटल चार्ज आपको दे दिया 50 कूलम है, गिवेन टोटल चार्ज, टोटल चार्ज इक्वल टू 50 कूलम, कूलम किसका यूनिट हो गया, चार्ज का ऐसा यूनिट, चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम, तो टोटल चार्ज दिया हुआ 50 कूलम। आपसे पूछता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना, फाइंड दी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फाइंड दी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो Q इक्वल टू क्या हो गया, Ne, Q इक्वल टू
एन ई, वेयर एन कितना हो गया, एन इक्वल टू क्यू अपॉन ई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और क्यू के जगह पर 50 कूलम, और इधर 1.6 इंटू 10^-19, कैलकुलेट करना ही बता देगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इससे कभी कभी क्वेश्चन स्लाइटली बच्चा ये क्लियर नहीं रहता नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ क्या रहा है। तो टोटल चार्ज हमेशा क्या होगा आपका, इंटीजर नंबर का मल्टीपुल होगा, इंटीजर नंबर का मल्टीपुल होगा। राइट डाउन इलेक्ट्रिकल चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में इलेक्ट्रिकल चार्ज, इलेक्ट्रिकल चार्जेज आर इंटीग्रल मल्टीपुल्स, इलेक्ट्रिकल चार्जेज आर इंटीग्रल मल्टीपुल्स ऑफ बेसिक यूनिट, ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज डिनोटेड बाय ई, स्मॉल ई डिनोटेड बाय ई। बेसिक यूनिट किसको चार्ज बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं ई को, 1.6 इंटू 10^-19 कूलम। बेसिक यूनिट क्या हो गया, नंबर ऑफ यानी इलेक्ट्रॉन का चार्ज, किसका इंटीग्रल मल्टीपुल है, बेसिक यूनिट चार्ज का। बेसिक यूनिट चार्ज मीन्स व्हाट यू अंडरस्टैंड, इक्वल टू 1.6 इंटू 10^-19 कूलम की बात कर रहा है। तो इस तरह से हम टोटल चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ थ्री प्रॉपर्टीज क्वेश्चन बोर्ड में पूछेगा कि एक्सप्लेन दी थ्री प्रॉपर्टीज ऑफ दी चार्ज। पहला एडिटिव प्रॉपर्टी लिखोगे, सेकेंड कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, थर्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। ये जब भी रहेंगे दो नंबर के थ्योरी में क्वेश्चन डालेंगे। और पहला वाला भी हम लोग देखे इधर, यानी हाउ टू प्रोड्यूस दी चार्ज पार्टिकल रबिंग मेथड, सेकेंड क्या पढ़े हम लोग कॉन्टैक्ट, थर्ड इंडक्शन मेथड। ये दोनों का दोनों क्वेश्चंस बोर्ड के लिए ही है, लेकिन कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए आपका ये सारे कॉन्सेप्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये स्टार्टिंग का जो लेक्चर्स रहेंगे दो तीन लेक्चर, जिस बच्चे को क्लियर हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक पे कमांड कर लेगा, और नहीं तो स्टार्टिंग वाला घबराएगा तो इतने कन्फ्यूजन में कुत्ता खिलाएगा ये पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक, आप सोच भी नहीं सकते। तो और सब चैप्टर्स में था, मैकेनिक्स में भी सेम था सिचुएशंस, सारे फिजिक्स में कोई भी चैप्टर है सिक्वेंस है, सिक्वेंस से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। हाँ, लेकिन 11th से बहुत आसान है, 11th से 12th का बहुत आसान है। आप जैसे वहां तक कि सिक्वेंस में कोई गैप कीजिएगा तो फिर आगे मुश्किल है, सेम यहाँ भी है। तो फिजिक्स ऐसा चैप्टर है कि कोई भी पोर्शंस, हाँ लेकिन ये है कि इसमें ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है, आप सिंसियरली सारे चीज पढ़ रहे हो तो देर इज नो प्रॉब्लम, आसान टॉपिक है ये सारे 12 के सारे पोर्शंस। अब इसी में क्वांटाइजेशन में थोड़ा सा और ध्यान से देख लें। ये तो मैंने देसी भाषा में बता दिया क्वांटाइजेशन का मतलब क्या हो गया भाई, क्वांटाइजेशन का मतलब कॉन्टैक्ट कहते हैं ना, क्वांटाइज कर दीजिए कोई भी सिस्टम, जैसे स्टेयर को क्वांटाइज यानी इंटीजर नंबर में होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। उससे भी आसान यदि समझना है तो मान लो कि फॉर एग्जाम्पल कार है, ठीक है, चाहे पंछी जो बर्ड्स हैं, जब आपके आँख से ज़्यादा ऊपर नहीं जाते हैं, यदि 10 पंछी उड़ रहे हैं तो सब पंछी अलग अलग सेपरेट दिखाई देते हैं, ऑल बर्ड्स आर लुकिंग सेपरेट, ऑल बर्ड्स आर लुकिंग सेपरेट जब आपके आई से नज़दीक में रहता है। लेकिन वही बहुत ऊपर चला जाता है तो क्या दिखाई देता है, वो सेपरेट नहीं, सब कंटिन्यूस जैसा लाइन जैसा दिखाई देगा, लाइन जैसा दिखाई देगा बहुत दूर जाने के बाद। तो क्या हुआ, एक लाइन जैसा दिखाई देने का मतलब कंटिन्यूस। अब जैसे इस पेन को हम क्या बोलेंगे, कंटिन्यूस, और इसको छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे तो ये क्या कहलाएगा आपका, क्वांटाइज हो गया, छोटे छोटे पीसेज में तोड़ दीजिए। जैसे पेपर है, ये पेपर है आपका कंटिन्यूस है, अब इसको फाड़ के मैं छोटे छोटा पीस बना दूँ, क्वांटाइज हो गया। लेकिन क्वांटाइज किस है, इंटीजर नंबर में करेंगे। अब ये नहीं कि पीस, तो आप बोलिए कि कितने, मैं पूछूँ कितना पीस हुआ तो 2.2 सर, ये नहीं, 2 बोलिए या 3 बोलिए या 4 बोलिए। और बिफोर क्वांटाइजेशन क्या है, ये कंटिन्यूस है,
तो यही कहा जाता है कि जैसे हम लोग यहाँ पर बार बार दो टर्म सीख रहे हैं बायो में, माइक्रो मीन्स जब नजदीक से देखेंगे, मैक्रो मीन्स ऊपरी ऊपरी देखेंगे। तो उसी तरह से चार्ज भी क्या है, जब नजदीक से देखिएगा तभी वो क्वांटाइज दिखाई देगा, और दूर से देखिएगा तो क्या दिखाई देगा, कंटिन्यूअस है। जैसे वर्ड्स का एग्जांपल दिया, पेपर का दिया, तो माइक्रो लेवल पर, माइक्रो लेवल पर ही क्वांटाइजेशन दिखाई देगा चार्ज का। किस लेवल पर दिखाई देगा, माइक्रो लेवल। जिस तरह से आप देखते हो नाइन टेंथ में भी आप लोग सेल्स का स्ट्रक्चर, प्याज का, ओनियन का देखते हो, तो ऐसे तो आपको पूरा कंटिन्यूअस दिखाई दे रहा है। जब माइक्रोस्कोपिक से देखते हो तो आपका ईंट जैसा दिखाई देता है, ईंट जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है। तो ये क्या हो गया, माइक्रो लेवल पर हो गया नजदीक से देखने पर, ऊपर से तो वो कंटिन्यूअस दिखाई दिया। सिमिलरली ही क्वांटाइजेशन जो दिखाई देगा किस लेवल पर दिखाई देगा, माइक्रो लेवल पर। क्वांटाइजेशन किस लेवल पर दिखाई देगा, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर। और मैक्रोस्कोपिक लेवल पर कोई भी चार्ज कंटिन्यूअस दिखाई देगा, मैक्रोस्कोपिक लेवल पर कंटिन्यूअस दिखाई देगा, कंटिन्यूअस दिखाई देगा। तो ये सारी चीजें कॉन्सेप्ट फंडाडम क्लियर होना चाहिए। तो क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी किस लेवल पर दिखाई देगा, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर। अदरवाइज दूर से देख रहे हैं तो कंटिन्यूअस दिखाई दे रहा। तो थ्री प्रॉपर्टी, ये तीनों का तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा वेट कर लेते हैं, तब उसके बाद फिर करते हैं।